हेलो दोस्तों, दिस इज सबा फ्रोज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो फ्रोज इन अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, यह है रियलमी 7 का बॉक्स एलो एक्स एंड रियलमी स्टाइलिंग में, जो रियलमी भी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। करेंगे इसको अनबॉक्स और जानेंगे इसमें हमको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, और साथ ही जानेंगे कि ये जिस प्राइस सेगमेंट में आता है, ये अपने प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करता है या नहीं। सो एंजॉय फॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक, लेट्स बिगिन। तो करते हैं इस लाल गुलाबी चक्कू से बॉक्स को ओपन और हटाते हैं इस प्लास्टिक रैपर को, और ये मैंने कर दिया है सील को ब्रेक। ये हो गया अप और ये दूसरा डाउन, उसके बाद ये हट गया रैपर फुल एंड फाइनली, और करते हैं बॉक्स को ओपन। तो सबसे पहले हम बॉक्स के पीछे में ही हमको कुछ मेन हाइलाइट्स मिल जाता है, जैसे कि सोनी 64 MP क्वाड कैमरा, हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर, 30 वाट डॉट चार्ज, 5000 mAh बैटरी, 90 Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, और यहाँ पे सार वैल्यू की बात करें तो 990 वाट्स पर किलोग्राम हेड के लिए है और 934 वाट्स किलोग्राम बॉडी के लिए है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस 17,999, और इसकी एग्जैक्ट प्राइस की बात करेंगे हम वीडियो में आगे। सो अभी हम हटाते हैं बॉक्स से लिड को बस, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे तो वेलकम हो जा रहा है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी फैमिली में वेलकम हो जा रहा है। इसको हम रखते हैं साइड में और फिलहाल हम देखते हैं ये मेन फ़ोन की तरफ, और ये रहा मेन फ़ोन, इसको हम रखते हैं साइड में, देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये एक कार्ड है, और ये रहा डेटा केबल एंड चार्जिंग केबल, और ये है चार्जिंग ब्रेक। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है 30 वाट एंड 6 एम्पियर, 5 वोल्ट 6 एम्पियर, तो 30 वाट की है। ये रियलमी ऐसा क्लेम करता है कि ये 65 मिनट में 0 to 100% मोबाइल को चार्ज कर देगा। तो इसको रखते हैं हम साइड में, बाकी एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, और देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको तो शायद एक केस मिलेगा, जी हाँ, एक केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, और यहाँ पे छुपा हुआ एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको रखते हैं साइड में और आते हैं फ़ोन की तरफ। तो सबसे पहले हमको इसको ओपन करते हैं फ़ोन को, प्लास्टिक की रैपिंग में दी हुई है, और निकालते हैं फ़ोन को बाहर, और इसको भी हटा ही लेते हैं। ओहो, क्या वाओ, क्या मस्त फ़ोन है। बात कर लेते हैं फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की, तो बैक साइड में हमको क्वाड रियर कैम सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे नीचे है रियलमी की ब्रांडिंग, जो यहाँ पे कैमरा है 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, सेकंड प्राइमरी सेंसर है 64 MP का सोनी का 682 के सेंसर के साथ आता है, और थर्ड कैमरा है आपका 2 MP का डेप्थ कैमरा, और लास्ट फोर्थ कैमरा है 2 MP का माइक्रो कैमरा। साइड में है LED फ्लैश, और यहाँ पर लिखा हुआ है AI क्वाड कैमरा 64 MP। नीचे है रियलमी की ब्रांडिंग, उसके बाद फोन के लेफ्ट साइड में हमको एक मिल जाता है पावर बटन कम फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो आपके फोन को बड़ी आसानी से लॉक एंड अनलॉक कर देगा प्रेस टच एंड प्रेस से। उसके बाद फोन के लेफ्ट साइड में देखते हैं, सबसे ऊपर मिल जाता है एक सिम ट्रे, जो आई थिंक जहाँ पे आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे मिल जाता है आपको 2 SIM और एक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट, जहाँ पे आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए बड़ी आसानी से 512 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो फ़ोन की स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए। उसके ठीक नीचे है वॉल्यूम रॉकर्स, और नीचे कुछ नहीं है, फ़ोन का अप साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बात करते हैं डाउन साइड की, जो मिल जाता है आपको 3.5 mm जैक, उसके बाद माइक्रोफोन, उसके बाद है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद है स्पीकर ग्रिल और एक्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो फ़ोन के फ्रंट में मिल जाता है आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि बड़ी अच्छी सेल्फीज खींच देगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे प्री अप्लाइड एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। और बात करते हैं केस की, तो TPU केस की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन ये समय के साथ काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ जाएगा। तो फ़ोन को बूट अप करने के बाद मिलते हैं आपसे आगे।
मैंने कर लिया है फ़ोन का सेटअप कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बोलना चाहूँगा, जस्ट वाव। 90Hz रिफ्रेश रेट काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग फील कराता है। अगर आप नॉर्मल फ़ोन से 90Hz में स्विच करोगे तो कुछ खास नहीं पता चलेगा, फिर से आप वापस 90Hz से नॉर्मल फ़ोन पर स्विच करोगे फिर आपको फुल एक्सपीरियंस पता चलेगा। इसका टच सैम्पलिंग रेट 144Hz है, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और टच को बहुत फास्ट रजिस्टर करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है और इसमें मीडियाटेक G95 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है जो काफ़ी फास्ट है। मैं अभी इसको आधे घंटे से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऐप्स और हैवी ऐप्स को ओपन किए, वो काफ़ी स्मूथली ओपन हुए और अच्छे से ऑपरेट भी हुए और कहीं पर भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे फ़ोन्स में आप अगर ज़्यादा ऐप्स या हैवी ऐप्स को ओपन करते हो तो रैम मेमोरी उसको आउट ऑफ किल कर देती है, पर इसमें सारी ऐप्स रिसेंट रैम मेमोरी में भी थी और अच्छे से ऑपरेट भी हो रही थी। ये इसका बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इससे ऊपर भी एक वेरिएंट है 8128 का और एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स और रियल में UI 1.0 पर ऑपरेट होता है। चलिए देखते हैं इसका कैमरा UI कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मिल जाता है नाइट मोड विथ स्टेडी मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, 64MP डेडिकेटेड। उसके बाद मोड में आपको फोर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, गूगल लेंस, स्लोमो, एक्सपर्ट, पेनोरामा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसमें एक और कमाल का फीचर मिल जाता है क्रोमा बूस्ट। अगर आप इसको इनेबल करके फोटोज़ या वीडियोस लेती हो तो ये आपके फोटोज़ विजेट को और इन्हेंस कर देता है, काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ को सेचूरेट कर देता है। तो ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है और ढेर सारे ऑप्शन आपको कैमरा UI के अंदर मिल जाते हैं। मैं कुछ सैम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख के बता सकती हो कैमरा क्वालिटी कैसी है। करते हैं फाइनल कंक्लूजन कि अंडर 15K में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, ये वर्थ इट है। इसको आप अगर 15K में कोई भी फ़ोन अगर देख रहे हो तो आप एम स्टोर एक बार इसको ज़रूर आप चेकआउट कर सकती हो, जो कि जितने फीचर के साथ पैक्ड ये फ़ोन ऑफर करी है रियलमी। जैसे 64MP का क्वाड कैम रियर कैम सेटअप है, सोनी 682 का सेंसर है, उसके बाद 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है, उसके बाद 30W सुपर डॉट का चार्जर मिल जाता है और FHD+ की डिस्प्ले है। तो जितने सारे फीचर्स के साथ ये फ़ोन आ रहा है तो ये अंडर 15K में एक अच्छी डील हो सकती है। अगर आप 15K के अंदर अगर कोई फ़ोन देख रहे हो तो एक बार ज़रूर इसको चेकआउट करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मैं फुल डिटेल्ड रिव्यू आफ्टर 15 डेज में बनाने वाला हूँ। डे टू डे लाइफ में फ़ोन कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, इसके सारे विद प्रोज एंड कॉन्स मैं एक डिटेल रिव्यू जल्द ही बना दूंगा। अभी आप एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए। कमेंट्स में बताइए रियलमी 7 के विचार आपके मन में क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट्स में बताएं क्या आपके मन के विचार रियलमी 7 के बारे में और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।